दिबांजलि मोइत्रा। क्रिकेट से संन्यास के बाद सियासत में आकर नई पारी की शुरुआत करने वाले गौतम गंभीर अपनी हर जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाते हैं। बात चाहे क्रिकेट के मैदान की हो या फिर सियासी मैदान की, टीम इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले गौतम गंभीर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने तो यहां भी पूरी जिम्मेदारी से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। गौतम गंभीर दूसरी पारी इतनी तेज खेल रहे हैं कि करीब 4.5 साल से सरकार चला रहे केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली की हर गली हर मोहल्ले में सीसीटीवी लगाने का वादा कर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल को 4 साल तक सीसीटीवी की याद तक नहीं आई। अब जब लोकसभा चुनाव में बुरी तरह शिकस्त खाए तो सीसीटीवी कुछ जगह लगने लगा, लेकिन बीजेपी के नए सांसद गौतम गंभीर को अभी पद की शपथ लेते हुए भी 10 दिन नहीं हुए कि अपने संसदीय क्षेत्रों में उन्होंने सीसीटीवी लगाने का काम भी शुरू करवा दिया। 17 जून को सांसद पद की शपथ लेने वाले गौतम गंभीर ने 22 जून को ही अपने क्षेत्र में सीसीटीवी लगवाया तो उसकी वीडियो भी ट्वीट करते हुए केजरीवाल पर जबरदस्त तंज कसा। गंभीर ने लिखा, ऊपर वाला अब और करीब से देखेगा, मेरी माताओं बहनों की सुरक्षा व ओवरऑल क्राइम कंट्रोल करने के लिए मैंने आज से अपने संसदीय क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम शुरू करवा दिया है। वैसे मफलर वाले सर जी, मेरा एक कैमरा आपके झूठे वादों पर भी फोकस्ड है। गौतम गंभीर के इस कदम पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, गौतम सर कैमरा आप लगवाओगे और मफलर मैन अपने वादों में से गिनवाएगा चुनाव में कि हमने अपना सीसीटीवी कैमरे का वादा पूरा किया। बड़ा शातिर है मफलर मैन। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, नियत साफ हो और काम करने का जज्बा तब व्यक्ति काम करने के लिए 4.5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं करता। अरविंद केजरीवाल जी को आप जैसे युवा नेतृत्व से सीखना चाहिए। केजरीवाल सरकार का सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम अभी भी अधूरा ही है, जबकि सांसद बनने के महज कुछ ही दिनों बाद गौतम गंभीर जनता की सेवा में भी जुट गए और सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम भी शुरू करवा दिया। गौतम गंभीर इसके अलावा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल की सुविधा बढ़ाने और प्रथम श्रेणी क्रिकेट के लिए मैदान के बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात भी कर चुके हैं। वहीं पूरी दिल्ली के लिए शर्मनाक बन चुके गाजीपुर लैंडफिल को लेकर भी गौतम गंभीर हैं। अपने क्षेत्र में आने वाले इस लैंडफिल को साफ कराने के लिए गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के MCD अधिकारियों से भी 14 जून को ही मुलाकात कर चुके हैं। यानी चुनाव जीतने के बाद से ही गौतम गंभीर पीएम मोदी की तरह फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। गौतम गंभीर ने अपने इरादे उसी दिन जता दिए थे जब 17 जून को उन्होंने शपथ ली थी। संसद में शपथ लेने के बाद एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैं गौतम गंभीर एक भारतीय, ना करूं मैं चांद का वादा, ना बांटूं तुमको आधा आधा, ना जादू की छड़ी ना कोई चिराग, है तो बस इरादों की झड़ी और कुछ कर गुजरने की आग, गेरुआ भी मेरा हरा भी मेरा, ना किसी से बैर, लहू था जो लाल मेरा, अब वो है तिरंगे की लहर, मैं गौतम गंभीर एक भारतीय। और सभी भाइयों बहनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप बहुत समय से यहां पर हैं। इतनी तेज धूप में जिस तरीके से आप सभी ने मुझे मौका दिया कि मैं 2 मिनट अपनी बात रख सकूं, मैं दिल से इसका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, पिछले कई दिनों से मुझसे यह सवाल पूछा गया कि राजनीति क्यों, आपने अभी क्रिकेट खत्म करी उसके बाद कमेंट्री आप कर सकते थे, आपके पास कमेंट्री का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर राजनीति का फैसला क्यों। और मैं ये बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2 किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। एक ऐसे कि हर मुद्दे पे जो ट्वीट करते हैं एसी कमरों में बैठ के और फिर ट्वीट करने के बाद भूल जाते हैं, और फिर जब कोई दूसरा मुद्दा आता है तो फिर ट्वीट करते हैं। और एक ऐसे भी लोग हैं जो उनकी भावना है इस देश के लिए, वो उस भावना को लोगों के बीच में जाकर कहाँ वो इस देश की प्रगति को देखते हैं, उस प्रगति को लोगों के बीच में लेकर जाकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब मेरे पास ये एक डिसीजन था कि क्या मैं सिर्फ एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करना चाहता हूँ और फिर उसको भूल जाना चाहता हूँ, या फिर मैं लोगों के बीच में आके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैंने ये जो राजनीति में कदम रखा ये एक सच्चे दिल, सच्ची नीयत और एक सच्ची सोच के साथ रखा है। एक ऐसी सोच
भक्ति में कदम रखा, एक ऐसी सोच, दिल, सच्ची नियत और एक सच्ची सोच के साथ रखा है, एक ऐसी सोच भक्ति में कदम रखा जिसमें ना तो हम झूठे वायदे करेंगे, हम सिर्फ वैसे सच्चे वायदे करेंगे और ऐसे वायदे कि जो हम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी पूरे कर सकें। पिछले 4.5 साल में दिल्ली के लोगों के लिए कई ऐसे झूठे वादे किए गए हमारे सीएम के द्वारा कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, हम 100 स्कूल खोलेंगे, 100 कॉलेजेस खोल देंगे, हम सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, वाईफाई लगाएंगे, लेकिन जब कोई भी वायदे पूरे नहीं किए गए तो फिर अब वो जो स्टेटहुड का मुद्दा है उसके पीछे छुपकर गोलियां चला रहे हैं। देखिए पिछले कई समय से यह भी बात चली कि मैं डिबेट से डर गया और मैंने इसका जवाब पिछली रैली में यह दिया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं डरा तो वो इनकी डिबेट से क्या डरेगा। देखिए मैंने उस मंच में खुलेआम चैलेंज किया केजरीवाल जी को कि अगर आपकी पार्टी इतना ही डिबेट करना चाहती है तो जैसे 4.5 साल आपने लिए राजनीति में, उस वक्त मैं सिर्फ 4.5 दिन पुराना था, आप मुझे अपनी राजनीति का सिर्फ आधा वक्त दे दीजिए, समय भी आपका, जगह भी आपकी। लेकिन उस डिबेट की एक शर्त यह होगी कि ना तो वो किसी सोशल मीडिया और ना ही वो किसी बंद कमरे में होगी, वो डिबेट होगी जनता के बीच में। और अभी भी उस चैलेंज का कोई जवाब आया नहीं। मैंने 15 साल क्रिकेट खेली लेकिन जिस दिन मैंने राजनीति में कदम रखा 15 घंटे में मेरे ऊपर इतने एलिगेशन लगाए गए, इतने आरोप लगाए गए कि जो 15 साल में नहीं लगे। कभी नॉमिनेशन रद्द करने की बात, कभी 2 वोटर आईडी की बात, कभी FIR दर्ज कराने की बात, और आप केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं 240 दिन देश से बाहर रहूंगा। देखिए मुझे क्रिकेट में एक चीज जरूर सिखाई गई कि अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई आमने सामने की लड़नी चाहिए, और हम भारतीय जनता पार्टी कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो लड़ाई हम आमने सामने की लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी की तरह नहीं कि जो 4.5 दिन पुराने एक नेता को उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। अगर आपने लड़ाई करनी है तो आप आमने सामने की लड़ाई लड़िए, सामने आइए, पीछे से वार मत करिए। केजरीवाल जी ने ऐसे सपने दिखाए जो वो चाहकर भी पूरे नहीं कर सकते। अगर आपका मकसद सिर्फ लोगों के जज्बातों के साथ खेलकर सत्ता हासिल करना है तो इस तरीके की राजनीति पूरे दिल्लीवासी समझ चुके हैं। पहले वो गाली देते हैं, फिर वो माफी मांगते हैं, और फिर वो लोगों के पैरों में गिरते हैं, और जब लोग नहीं मानते तो फिर वो गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, हम ऐसी राजनीति ना कभी करते थे और ना ही कभी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है क्योंकि सोच का फर्क है, और वो सोच ये है। मैंने राजनीति आम आदमी पार्टी बात करती है डिबेट, धरना और ड्रामे की, और हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा देश एक सुपर पावर बने। हमारे प्रधानमंत्री विरोधियों की आंखों में आंखें डाल के लगाए गए इतने आरोप लगाए गए, वो कोई भी देश हो उनको जवाब देना जानते हैं, और कई लोग सिर्फ इसका प्रूफ मांगते हैं। और हाल ही में मैंने सुना साल में नहीं लगे, केजरीवाल जी ने बोला कि जो उनके ऊपर रैली में अटैक हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। पिछले 4.5 साल सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी को ही ब्लेम करते रहे। एक चीज मैं इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी अभी इतने बड़े लीडर बने नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचने की जरूरत पड़े। कभी 2 वोटर आईडी की बात, कभी FIR,
को आप दर्ज कराने की बात, तो इसलिए अगर हर चीज में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही ब्लेम करेगी तो इस देश की जनता और इस दिल्ली की जनता इसका जवाब जरूर 23 तारीख को देगी। आप सभी लोग यहां पर आए, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।